ओ दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्पार्क न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ निधि। तो आज ना हम लेकर आए हैं बॉलीवुड की दुनिया से आपके लिए एक बड़ा ही दिलचस्प और मजेदार किस्सा, जिसे सुनने के बाद या तो आप बिल्कुल ही हैरान रह जाएंगे या फिर आप हंसने लगेंगे। दरअसल ये जो किस्सा हम आपको सुनाने वाले हैं, ये आमिर खान और शाहरुख खान के बीते दिनों की बात है, जब वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन कहे जाते थे। और साथ ही अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि हमारी वीडियोस तुरंत आपको मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। आमिर खान और शाहरुख खान भले ही आज बॉलीवुड इंडस्ट्री के बेस्ट बडीज हों, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक टाइम ऐसा भी था जब इन दोनों ही स्टार्स की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी, और इनकी अनबन इस लेवल तक पहुंच गई थी कि आमिर ने अपने कुत्ते का नाम शाहरुख रख दिया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक स्टेटमेंट भी दिया था कि शाहरुख मेरे पैरों को चाट रहा है और मैं उसे हर बार बिस्किट खिला रहा हूँ। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। चलिए तो इसके पीछे की जो पूरी कहानी है वो हम आपको बताते हैं। दरअसल ये बात है 2008 की, जब आमिर ने ये स्टेटमेंट दिया था। अब ये पूरा स्टेटमेंट था क्या, और जब शाहरुख को इस बात का पता चला तब उनका रिएक्शन क्या था, ये भी आपको बताते हैं। आमिर ने अपने पर्सनल ब्लॉग में लिखा था कि मैं समुद्र तल से लगभग 5000 फीट ऊपर एक घाटी के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठा हूँ। अम्मी, ईरा और जुनैद मेरे साथ हैं और हम अपने फेवरेट बोर्ड गेम में से एक गेम खेल रहे हैं। शाहरुख मेरे पैरों को चाट रहा है और मैं उसे हर बार बिस्किट खिला रहा हूँ। और आमिर का ये व्लॉग उस वक्त इतना सुर्खियों में था कि ये खबर उड़ते उड़ते शाहरुख तक पहुँच गई। और जब शाहरुख को इस बात का पता चला तो उन्होंने भी जवाब में कहा कि उनके, यानी कि शाहरुख खान के, दोनों बच्चे आमिर के बहुत बड़े फैन थे। लेकिन इस स्टेटमेंट के बाद वो अपने दो फैंस खो चुके हैं। हालांकि आमिर ने भी इसके बाद अपनी सफाई में कहा था कि उनके कुत्ते का शाहरुख नाम उनके घर के केयरटेकर ने रखा था, जो शाहरुख खान के बहुत बड़े फैन थे। और ये जो व्लॉग उन्होंने लिखा था, ये भी सिर्फ मज़े के लिए लिखा गया था। वैसे बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसे कॉन्ट्रोवर्सीज तो होती ही रहती हैं, और ऐसी और भी कई सारी कॉन्ट्रोवर्सीज है जो हम आपको अपने आने वाली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त, फिर मिलेंगे आपसे एक ऐसी ही वीडियो के साथ। नमस्कार।